अलवर जिले के शाहजहांपुर के गूगल कोटा मोड़ पर आजादी गौरव यात्रा का धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के राज में जहां आम जनता परेशान है, देश में अराजकता का माहौल है, कांग्रेस जनता के बीच जाना चाहती है, जनता की समस्याओं को ध्यान में लाकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही है। इस रैली के माध्यम से लोगों का अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि आगामी 2023 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री टीकाराम जूली, अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। और अब 36 कौमों के भाईचारे के साथ में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश का मस्तक ऊंचा करने का काम किया। विश्व में जो छाप हिंदुस्तान की छोड़ी वो कांग्रेस के महान नेताओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में हम ये गौरव यात्रा कर रहे हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में केंद्र में आई, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, महंगाई कम करने का वादा किया था, हमारे यहाँ आतंकवाद को पाकिस्तान बना देता और चाइना जिस प्रकार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, मैं समझता हूँ ये पूरी केंद्र की सरकार जो वादे किए थे उसमें विफल रही है, उनके वादे झूठे निकले हैं।